फ्रेंड्स, हैप्पीस्ट माइंड के शेयर के ऊपर रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आ रही है। तो इस बार फ्रेंड्स किस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, इसके अलावा रिजल्ट डेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार, तो नॉर्मली क्या होता है कि शुक्रवार को शाम को जो ASM लिस्ट होता है उसमें जो भी बदलाव होते हैं उसके बारे में एक्सचेंजेस बताया करते हैं। तो फ्रेंड्स, हैप्पीस्ट माइंड अभी स्टेज 4 में, तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो एक तो रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आने वाले, और दूसरा ये ASM लिस्ट से रिलेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो क्लोजर से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी कंपनी के अंदर जो भी दिग्गज मैनेजमेंट वगैरह होता है वो अब इस शेयर में 1 जनवरी से 30 जनवरी तक ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स रिजल्ट के जो डिक्लेयर होता है उसी टाइम पर मैनेजमेंट के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर फिलहाल अभी रिजल्ट डेट नहीं है, मगर इसके रिजल्ट 28 जनवरी के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये उसी टाइम पर अपने रिजल्ट पेश करते हैं। तो सबसे पहले 28 जनवरी के आसपास रिजल्ट आ सकते हैं। और पिछली बार फ्रेंड्स दूसरे क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू रही थी, तो मेरा इस बार ऐसा अनुमान है कि 270 करोड़ के आसपास इस बार रेवेन्यू आ सकती है, यानी कि 8% के आसपास की Q1Q हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और पिछली बार जो 44 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो 48 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो Q1Q ऐसे अगर नतीजे आते तो इसको बहुत ही शानदार और बहुत ही विस्फोटक नतीजे माने जाते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, ASM लिस्ट से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आते हैं तो ये एक और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इस शेयर के लिए होगी। और यहाँ पर अभी दिक्कत ये है फ्रेंड्स कि अभी जिस भाव पर ये शेयर ट्रेड करे उस लिहाज से देखें तो अभी इसका 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और मैंने बोला कि 48 करोड़ के आसपास का इसका प्रॉफिट आ सकता है। तो हम मान लें कि अगले 4 क्वार्टर का प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास आएगा, तब भी ये शेयर 90 के आसपास के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी जिस भाव पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है उस लिहाज से देखें तब भी महंगे वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये एक थोड़ी सी मुझे नेगेटिव बात लगती है। फिलहाल फ्रेंड्स अच्छे नतीजे, अच्छी ASM लिस्ट से जो न्यूज़ है उसकी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है।